नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हार्दिक अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, आज आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर में नारी शक्ति की एक कतार आपको दिख रही है। जी हां, ये हावड़ा महिला विकास परिषद की नारियों की ये कतार है। ये लोग काफ़ी वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आइए आज आपकी मुलाकात इन चेहरों से करवाते हैं और पूछते हैं कि ये लोग अपने क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या इन्होंने किया है और आगे इनका विज़न क्या है, इस क्षेत्र में आने के रीज़न क्या हैं। रीज़न और विज़न के साथ आइए हम इनके साथ मिलते हैं, इनका सबसे पहले परिचय लेते हैं, एक एक नारी चेहरे से पूछते हैं उनका नाम, उनका परिचय, उनकी रुचि और उसके बाद में इनके इस क्षेत्र में आने के रीज़न और विज़न की चर्चा हम करते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। शुरुआत में सबसे पहले आप, आपका शुभ नाम? मंजू अग्रवाल। मंजू जी अग्रवाल, इसमें कब से जुड़े हैं आप? मेरे को 4 साल हुए। 4 साल हुए हैं। 4 साल। आपकी रुचि में क्या क्या है मुख्य? सोशल सर्विस के कारण ही मैं इस क्षेत्र में जुड़ी हूँ। बिल्कुल, अभी तक हमारा कोई सोशल एक्टिविटीज था नहीं, तो इस क्षेत्र में आने से हम थोड़ा सोशल में थोड़े एक्टिव हो गए। एक्टिव हो गए हैं, बहुत सुंदर। आपका नाम? सुमन गाड़िया। रुचि क्या रही है आपकी? सोशल सर्विस। कब से जुड़े हैं? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं, आप इनसे सीनियर हैं। आपका नाम? रेनू खेतान। आवाज इतनी कमजोर क्यों है? चाइनी दिल्ली। हाँ, रेनू खेतान। कब से जुड़े हैं? 13 साल। 13 साल, वाह। फाउंडर। फाउंडर हैं क्या आप? यस। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका नाम? पूनम कालोड़िया। आप अभी अध्यक्ष हैं? हाँ जी। तो व्यूअर्स, ये अध्यक्ष महोदया से मुलाकात है आपकी, जो अभी महिला विकास परिषद की अध्यक्षा हैं। आप भी फाउंडर हैं? फर्स्ट में मैं ही थी ना। मैंने शशि से कहा, मेरी कुछ सेवा करने की, कुछ भी करने की इच्छा हो रही थी। एक जन तो कुछ भी, कोई कुछ कर नहीं पाता जी। तो मैंने शशि से कहा कि अपन कुछ करते हैं, तो उसने कहा कि हाँ चलो ठीक है। ये जिन शशि का जिक्र कर रहे हैं, ये शशि वो हैं, ये हैं शशि जी। नमस्ते। नमस्ते, ये शशि सुराना। हाँ जी, आपकी बात तो उसके बाद आपका सफर शुरू हुआ। हाँ, और कारवा धीरे धीरे आगे बढ़ा। चलिए, हम लोग जैसे 13 जन इकट्ठे हुए। अच्छा, हम लोग ने छोटी सी मीटिंग रखी। आपकी भी शुरुआत 13 पंथ की तरह हुई है क्या? 13 इकट्ठे हुए। चलिए बहुत अच्छा, 13 पंथ ऊंचाइयों पर है, आप भी ऊंचाइयों पर पहुंचिएगा। आपका नाम? कमला बैद। सबसे सीनियर मेंबर हैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। आप सभी फाउंडर मेंबर हैं, लेकिन सीनियर व्यूअर्स, महिला को सीनियर कहने से आपत्ति होती है, क्योंकि कोई कोई उम्र से बड़ा नहीं बताना चाहता। कमला जी को हम इसका महिला विकास परिषद का स्तंभ कह सकते हैं। वाह, क्या बोल रहे हैं आप? इनका स्तंभ कह सकते हैं कि भाई ये सब चीज में थोड़ा आगे बढ़ती। जैसे अभी भैया ने बोला था कि अंगूठे का होना जरूरी, इसके बाद 5 उंगलियां होती है, तो वो हमारी ये अंगूठा है, हम सब हम लोग उसकी उंगली है। तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल, मैं सीनियर इसलिए, मेरे को दापत्ती नहीं है क्योंकि मेरे इतने बच्चे हैं। हाँ, तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये क्लब ऐसी है कि हर प्रत्येक समाज की नारी इसमें जुड़ी हुई है जी, एकजुट होकर सब काम करती है, कोई का कहा हुआ नहीं चाहती है। इसलिए मैं प्राउड करती हूँ अपने क्लब को, और मैं चाहती हूँ दिन दुगनी रात चुगनी आगे आगे आसमान की ऊंचाइयां छूती है। बिल्कुल सही है। ये देखिए, सीनियर जो होते हैं ना, वो सबको उत्साहित करते हैं, और ये वाकई में सीनियर की बात सामने आई है। अब है शशि सुराना जी। शशि जी, बताइए, आप बताइए। वैसे आपका नाम तो हमको मालूम है, और आपकी रुचियों के बारे में भी, एक्टिविटी भी हमको मालूम है। व्यूवर्स को बताइए आप। हम 15 साल से जुड़े हुए हैं इस क्लब से, और शुरुआत हमारी है 13 से। आज हम कम से कम 180 मेंबर हैं, और वो कमला जी हमारे पिलर हैं। और 15 साल से हमने अध्यक्ष चेंज नहीं किया था, 15 साल तक यही रहे। अभी 6 महीने से हमने युवा अध्यक्ष बनाया है, पूनम कानोड़िया को। युवा अध्यक्ष, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और 15 साल से हम ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, एक समाज से नहीं है, अनेक समाज से महिलाएं हैं हमारे साथ में। कोई धर्म से लेके हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, सब हम भारतीय हैं, और उसी तरह का हम काम करते हैं, इंसानियत की तर्ज पर। सामने किसी के कुछ भी नहीं आना चाहिए, और नहीं खाली समाज सेवा। बहुत तो हम चाहते हैं कि इसी तरह हम बढ़ते रहें, और जेंट्स लोगों का सपोर्ट मतलब एनी टाइम। अच्छा, जेंट्स, जब आपने जेंट्स की बात की है, तो आप समस्त महिलाओं से मेरा एक सवाल है कि क्या घर से यानी पति से
सपोर्ट मिल रहा है सबको? पति पंद्रह साल से मेरे पति मेरे साथ आते हैं और इस चैरिटी में भाग लेते हैं। यही नहीं और भी कोई कार्यक्रम करते हैं, जैसे कोई भी चैरिटी का तो हमारे साथ रहते हैं। चलिए ये भारतीय संस्कृति की बात है, फ्रंट में है किसी के हस्बैंड बैक में, हमारे सब हस्बैंड बैक पीठ में, हम लोग सब बैक वाले हस्बैंड है, बट पूरा सपोर्ट हमारे हस्बैंड। मतलब आप हस्बैंड को बैक फुट में रखते हैं? अच्छा, नहीं है अच्छा, लेकिन वो हमें सपोर्ट करते तो हमारा तो ये बैकबोन तो वही हो गया ना, बैकबोन हो गया। भारतीय संस्कृति ये कहती है कि नारी और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं और आपने वही बात कही है। चलिए सर अब आप। मैं अंकिता दानुका जी, मेरे को महिला विकास परिषद में 8 साल हुए जुड़े। 8 साल कैसा लग रहा है आपको? अच्छा फील कर रहे हैं। एक्टिविटी से अच्छा लग रहा है? वेरी गुड। तो यहाँ पे सबसे यूथ आप ही लग रहे हैं हमको। चलिए आपका नाम? बिमला दुग्गड़। बिमला जी दुग्गड़, आप कितने वर्षों से जुड़े हैं? मैं 15 साल से हूँ। फाउंडर हो? सभी पिलर हो इसका मतलब? नहीं मोटो पिलर है। बिल्डिंग टिकेगी क्या जी? सरला लोनिया जी। रुचि एक्टिविटी सामाजिक? कितने वर्षों से जुड़े हो? 15 साल से जुड़े हुए। तो व्यूअर्स एक अच्छा पीछे भी चेहरे हैं जी। हम ये आप लोग बड़े महान हैं, ये लोग कुर्सी पर बैठे हैं, आप लोग खड़े हैं, इसलिए आपकी सेवा को हम सबसे ज्यादा सलाम करते हैं जी। बताइए आपका नाम? आपका नाम? आशा सिंह जी, स्वागत। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से हो मुख्यतः? बिहार से हो। ये देखिए हिंदुस्तान की संस्कृति, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, सभी क्षेत्र की महिलाएं एक साथ जुड़ करके अपना काम कर रही है। आप कितने वर्षों से जुड़े हुए हो? 8-10 साल तो हो गए। 8-10 साल, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम? सुधा गुप्ता जी। आप कितने वर्षों से जुड़े हुए हो? 15 साल। 15, आप भी फाउंडर हो, वाह वाह। आपका नाम? सुरुचि चौरड़िया। आप कितने वर्षों से? 15 साल। 15 वर्षों से आप भी यूथ हो ऐसा लग रहा है। और जी है, हाँ आप छुपे रुस्तम रह गए हैं। हाँ जी, पुष्पा सियाल। आप कितने वर्षों से जुड़े हुए हो? मैं 9-10 साल से जुड़ी हुई, लेकिन बीच में छोड़ दिया, लेकिन आज अचानक से वापस बीच में छोड़ दी है। ये कितनी ईमानदारी से अपनी बात कही है, फिर हृदय परिवर्तन किसी ने किया है आने के लिए। मैं ज्योति बैद जी, मैं 7 साल से जुड़ी। 7 साल से, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मेरे को जोड़ने वाली सचिन। आपको जोड़ने वाली, आप भी एक यूथ चेहरा है। हाँ जी, अच्छा जी, कितने वर्षों से? 9 साल। 9 साल से, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम? मैं 15 साल से फाउंडर मेंबर। अच्छा अच्छा, कोषाध्यक्ष, कुबेर हो आप? इसीलिए बनाया था कि हमारा खजाना सुरक्षित रहे, खजाना सुरक्षित रहे। आपका नाम? जी मैं पूनम पंसारी। पूनम पंसारी। पंसारी यूथ चेहरा, और कब से जुड़े हुए हो? 3 साल। 3 साल से, मतलब वैसे भी आप यूथ हो, जुड़ने में भी यूथ हो, वैसे भी यूथ हो। चलिए बहुत अच्छा। व्यूअर्स एक परिचय, चेहरों से परिचय हमने आपका करवाया है, नाम से परिचय करवाया है, रुचियों से परिचय करवाया है, और अब हम जानकारी लेंगे। शशि जी, ये आप लोगों ने जब शुरुआत की, रीजन क्या था? रीजन यही था कि हर समाज की महिलाएं हम एक दूसरे से जुड़ें और एक दूसरे के विचारों को जानें और कुछ ऐसा काम किया जाए जिनके पास कुछ असुविधाएं हो उनकी हम हेल्प कर सकें, या उनके पास जाके हमने जैसे सिलाई मशीन का भी पहले काम शुरू किया था जी। और गांव में जाके हमने कुछ लोगों से बात भी की थी कि यहाँ पर सिलाई मशीन का कुछ सेंटर चलाया जाए, लेकिन वो हमारा हुआ नहीं, सक्सेस हुआ नहीं, लेकिन आपने कोशिश की। हाँ, हमने कोशिश। चलिए अच्छी है, कोशिश होनी। हम साल में 2-3 बार बाहर भी जाते हैं और अनाथ आश्रमों में भी जाते हैं कि वहाँ किस चीज की दरकार है, पढ़ाई के लिए दरकार है या उनको खेल कूद में रुचि है, उन बच्चों से पूछते हैं, उनके हिसाब से हम काम करते हैं उनके लिए। तो इस तरह का मन में विचार लेके हम सब 13 से आज इतने हैं, तो जुड़ के सभी एक दूसरे की एक्टिविटीज में सहयोग करते हैं और काम भी करते हैं। बहुत अच्छा, कोई भी मतलब ईगो प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सुंदर बात, ईगो प्रॉब्लम नहीं है।
जबकि ये कहा जाता है महिलाओं में ईगो प्रॉब्लम बहुत अधिक होती है, पर आपके अंदर में नहीं है। मंडल में इस मंडल में एक ये भी खासियत अभी तक यही रही कि किसी में कोई ईगो नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं है, एक बात से सब सहमत है। बस अब बड़ी बात है कि एक बात से सब सहमत है। आप लोगों को राजनीतिक मंच बनाना चाहिए ताकि काम अच्छा हो। बहुत मतलब आप तैयार हैं, मन है तैयार है, हम होंगे कामयाब। बहुत कमला जी, मैं आपसे एक सवाल यह करना चाहता हूँ, यहाँ सभी आप लोगों को आपको स्तंभ कह रहे हैं, तो रीजन तो शशि जी ने बता दिया, आपको क्या लग रहा है जब शुरुआत हुई थी, शुरुआत से लेकर के अब तक के सफर में क्या आप संतुष्ट हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं इतनी कोई ज़्यादा संतुष्ट हूँ कि खुद को इतनी खुशी में महसूस करती हूँ कि मेरे साथ क्या होगा। मतलब ये ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा भी लगता है कि कुछ चीजें जो सोची हुई थी वो अब तक नहीं हुई? नहीं नहीं, जितनी सोची है सब चीज हो रही है, जितनी सोची वो हुई, सब हो रही। मतलब सारे अरमान पूरा कर रहा है इस बार, अरमान सारा पूरा हो रहा है। बिल्कुल सही, ये संतुष्टि सबसे बड़ी बात है। हाँ, अब अध्यक्ष महोदय, रीजन आ गया, संतुष्टि आ गई, विजन क्या है आने वाले दिनों में, फ्यूचर प्लानिंग, आने वाले भविष्य में आपकी महिला विकास परिषद क्या करना चाह रही है? जो भी लेडीज लोग स्वावलंबी नहीं है उनको जैसे स्वावलंबी बनाए, जैसे आपने जैसे कहा कि लाइन में खड़े होके इन्होंने नहीं लेना पड़ेगा, तो ये लोग भी यहीं पर ही खड़े हों, आगे हम यही चाहते हैं कि इनको स्वावलंबी बनाया जाए। ये विजन बहुत अच्छा है, भारत सरकार का विजन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें भी आपका कोई रोल है? इसमें भी अभी हमारी वो संस्था है दूसरी महिला विकास, कंचन जी वो बता रही थी कि परसों वो कोई रैली निकाल रही है जिसमें बेटी बचाओ का भी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ भ्रूण हत्या, जो नारी भ्रूण हत्या हो रही है उस पर भी क्या आपका कभी ध्यान गया है? हम लोग का हॉस्पिटल में एक प्रोग्राम किया था, हम जैन हॉस्पिटल से भी जुड़े हुए हैं, उसमें हमारे यहाँ जो मेंबर बैठे हैं हम लोग उसमें जुड़े हुए हैं, 4-5 मेंबर, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने काफी इस बारे में चर्चा भी की थी। और काफी जगह हम लोग जब छोटे छोटे गाँव में जाते हैं कोई प्रोग्राम करने के लिए या चैरिटी करने के लिए या कोई भी सर्विस देने के लिए, तो वहाँ पर हम जो बैग ले जाते हैं, थैले ले जाते हैं, उन पर कन्या मतलब बेटी बचाओ के बारे में कुछ लिख के उनको समझाना, कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है उससे हम पूछते हैं तो वो बोलती है कि मेरे ऐसे ऐसे इस तरह से मेरी बेटी है, आगे दो बेटी है, तो हम उन्हें ये शिक्षा देते हैं कि ये अपने तकदीर की आ रही है, तुम इसे पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ। हमने ऐसे भी किया है कि कुछ बच्चे माओए उनको पाल नहीं सकती, ओढ़ नहीं सकती, उन्हें हमें सुरक्षित जगह पर कहीं भी देने का है, तो वो काम भी हम लोगों ने किया है कि उस जगह में अपनी बेटी को देख के वो पढ़ा सकती है, ऐसा काम भी हम लोगों ने किया है। आपके इस ग्रुप में सबसे बड़ी बात है कि सभी समाज की महिलाएं एक साथ है, तो आपके अंदर में सभी समाजों के अंदर जो कुछ चल रहा होता है आप लोगों को जानकारी होती है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे समाजों में आम समस्याएं होती है जो सभी समाजों में होती है, एक समस्या जो अभी बहुत चल रही है कि युवा दिल जुड़ते हैं, शादी होती है और फटाफट टूट जाती है, तलाक होते हैं, तो इसमें आप लोगों का ये काउंसलिंग, एक काउंसलिंग जो एक वो बहुत जरूरी है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कटक में महिला शक्ति संघ है जो एक काउंसलिंग के जरिए कम से कम 20 परिवारों को वापस एक छत के नीचे ला चुका है। मैं चाहती हूँ ऐसा काम हम लोगों ने भी किया है, किया है शायद वो हावड़ा में हम लोगों ने वो आउट नहीं की थी बात, और कमला जी और मैंने ये काम किया है दो लेडीजों को, वो एक उनका घर टूटता हुआ बचा है। चलिए अच्छी बात है, करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, नाम नहीं बताना है, नाम मत बताइए, लेकिन काम अगर कर रहे हैं तो इसको अपनी सूची में रखिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है, परिवार अगर टूटेंगे तो समाज कैसे बचेगा? वो टूटने वाला ही था, एक साथ एक्चुअल में बच्चों में समझदारी नहीं आई, ईगो आ गया है, इसीलिए घर परिवार आजकल टूट रहे हैं। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सास से ज्यादा पति पत्नी के बीच में दरार ज्यादा हो रही है, सास ससुर को चाहिए उन लोगों के बीच में समझदारी लाए, बात वही है ना। और कोई खास साहित्यिक क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, कोई ऐसा मोमेंट लाएंगे? सोचा नहीं है, लेकिन साहित्य से समाज बनता है, साहित्य से जागरूकता आती है,
इसमें विचार करेंगे। आने वाले दिनों में आपका कोई नेक्स्ट स्टेप किस क्षेत्र में है? इस क्षेत्र में हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है, अभी तो हम खाली हावड़ा से जुड़े हुए थे और ये संस्था हम चाहते हैं कि पूरे कलकत्ते में और धीरे धीरे पूरे बंगाल में हो। आज हम जो जितने सदस्य बैठे हैं खाली हावड़ा के नहीं है, कोई बालीगंज है, कोई काकुड़गाछी है, कोई शॉर्ट लेक है, लेक टाउन है, सब जगह से। आप इसकी ब्रांच बनाना चाहते हो अलग अलग जगह? इसका मतलब आप राजनीति में जाने का मूड पक्का है। इतनी ब्रांचें बनने का मतलब है कि हर क्षेत्र से आप अपना कैंडिडेट खड़ा कर सको, ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हर कोई भी काम करती तो वो फलीभूत होता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं। आप कोई मैसेज देना चाहते हो समाज के लोगों को, व्यूवर्स को, क्योंकि आपके इस वीडियो को जो कि यूट्यूब में जाएगा उसको बहुत सारे लोग देखेंगे, आप कोई मैसेज देना चाहते हो, अपनी महिला शक्ति को देना चाहते हो, अगर कहीं पुरुष शक्ति से कोई शिकायत है उनको देना चाहते हो, कोई भी बात अगर आप कहना चाहते हो तो स्वागत है, कह सकते हो। कि आजकल इतने घर घर जो टूट रहे हैं तो इनका जो कारण है वो कारण ढूंढ के उसका भी सही किया जाए। बहुत घर टूट रहे हैं आजकल, बहुत घर टूट रहे हैं, ये पीड़ा है। कमला जी आप? मैं चाहती हूँ नारी वो शक्ति है कि सब कुछ कर सकती है, यदि नारी चाहे तो आगे बढ़कर समाज को भी चेंज कर सकती है, घर को भी चेंज कर सकती है। बिल्कुल, नारी में इतनी शक्ति है। बिल्कुल है। और पुरुषों को चाहिए कि उनको भी थोड़ी छूट दे, उनकी सब चीज को समझे क्या कहना चाहती है, उसका साथ हाथ में हाथ मिला के चलने से, कदम से कदम मिला के चलने से नारी बहुत कुछ कर देगी। वाह वाह वाह, क्योंकि नारी अभी पुरुष के बराबर है जी, अभी कंधा से कंधा मिला के नारी एकदम आगे बराबर में चल रही है, पैरेलल है एकदम, पुरुष से आगे लग रही है हमको तो। आगे माने तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन पैरेलल तो चल ही रही है, कोई भी क्षेत्र में अभी नारी अलग नहीं है, पुरुष से कम नहीं है, इसलिए हमेशा नारी शक्ति को नमन करते हैं। ये नया विचार आ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? बराबर रहना चाहिए, आगे भागना चाहिए, आगे भागने से आदत है, पुरुष उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, नारी शक्ति को लेकर नमन है, बढ़ रही है, पुरुष उससे आगे नहीं बढ़ने के, उतना नहीं बढ़ने देना चाहते, अपने बस बराबर, वो चाहता है आप मतलब खुद से ज्यादा आगे ना बढ़े, वो नहीं मिटी है, इंडिया मेन डोमिनेटेड कंट्री है, स्टिल इंडिया इज मेन डोमिनेटेड कंट्री, एक दूसरे की भावना को समझते नहीं है उसके कारण। लेकिन आप जितनी नारियां बैठी हैं उनके पुरुष तो ऐसे नहीं है? नहीं अच्छा आप आगे, ओह माय गॉड, नहीं बनना चाहिए, बराबर ईगो प्रॉब्लम ना आए, ईगो प्रॉब्लम वो आता है नारी में, ईगो ना आए, पुरुष यदि कमा के लाता है तो वो कभी भी शिकायत नहीं करता है, नारी यदि कमा के लाती है तो पुरुष की शिकायत करती है। क्या सच्चाई आई है, बहुत बड़ी सच्चाई, इसलिए मैं चाहती हूँ नारी को उतना ही दर्जा दिया जाए जितना पुरुष का है, ज्यादा आगे बढ़ने का दर्जा नहीं। नारी को तो शक्ति का दर्जा दिया गया है, शक्ति है, शक्ति अलग है, और पुरुष को सहन शक्ति का दर्जा दिया गया है। नहीं ये बात है, अच्छा ईगो प्रॉब्लम लोगों में इतनी कंट्रोवर्सी होगी, वो बोलती मैं भी इतनी नहीं, हमने तो ऐसा सुना है कि पुरुष सहन शक्ति है, नहीं 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 होती नहीं है, आउट ऑफ होती वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, जन्म देते हैं। लेकिन एक बात तो है साहब, मैं तो ये कहूँगी पति और पत्नी, महिला और पुरुष दोनों एक गाड़ी के दो चक्के होते हैं, तो दोनों मिल के काम करें तो वो हर दम आगे रहेंगे, सक्षम रहेंगे काम करने में, हर जगह में, हर क्षेत्र में, तो कहीं इनको भी नहीं आएगा। हाँ बोलिए, आप बोलिए। 180 इन्होंने बोला कि 180 सदस्य हैं, तो जब हम इतने कम होके इतना कुछ कर सकते हैं, तो मैं उन नारियों को जगाना चाहती हूँ जो घर बैठी हैं, वो हम लोगों को जुड़े, बड़ा मैसेज, जुड़े और आगे हम लोगों को प्रोत्साहन दे, बिकॉज जब युवा जुड़ता है तो युवा सोच आती है, बिल्कुल सही बात, चल रहा है वो तो चलता रहे, और उसके साथ कुछ नहीं शामिल हो और हम और आगे। बहुत सुंदर, अच्छा विचार, बहुत अच्छा विचार, अच्छा विचार आया है। और ये लोग कह रहे हैं कि पुरुष सहन शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम आमतौर पर देखते हैं कि पुरुष ऑफिस में शेर होता है लेकिन घर में आने के बाद उसकी स्थिति अलग होती है, ये सच्चाई है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं भैया,
हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। देखिए भैया नारी दिखाती है और नर दिखाता नहीं है, अंतर इतना ही है। अच्छा ये बात है, नारी दिखाती है नर दिखाता नहीं है, वो करके दिखाता है और नारी खाली कम कर पाती है, सपोर्ट होता है तभी कर पाती है, पुरुष के सपोर्ट के बिना नारी ये सपोर्ट चाहिए, नर के अंदर बहुत शक्ति है। चलिए पुरुष जितने सुन रहे हैं, ये हमारी भारतीय नारियां ये कह रही है कि पुरुष का सपोर्ट जरूरी है, तो आप लोगों के लिए जरूरी है। और बाहुबल है, कई चीजें ऐसी होती हैं जो वो कर सकते हैं और हम पिछड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी हाँ इतना बड़ा प्रोग्राम जो कर रहे हैं ना, कितने सारे पुरुष साथ दे रहे हैं, हम लोगों का साथ दे रहे हैं। चलिए इस वीडियो में जितनी महिलाएं दिख रही है उनके सारे पतियों के लिए अच्छी खबर है कि ये महिलाएं ये कह रही है कि हमारी प्रगति में उनका हाथ है। अब दिल से कह रही है या ऐसे बोल रही है मालूम नहीं, भाई हाथ क्योंकि इनको सहयोग आगे लेना है इसलिए भी कह सकती है। देखिए है ही रीजन, लेकिन हम भाई हाथ बोलते हैं कि हमारे पीछे हमारे सब हस्बैंड का फुल सपोर्ट है, बिना सपोर्ट के। अच्छा आप पुरुषों से और कुछ अपील करना चाहते हैं कि इस तरह से? पुरुषों से हम यही कहना चाहेंगे कि वो सपोर्ट करें अपनी बीवी को, क्योंकि वो अपना बच्चे भी हैं, घर भी है, परिवार भी है, सबको संभालने के बाद थोड़ा टाइम हो सकता है वो महिला विकास परिषद के लिए हो, ये नहीं है, कोई भी संस्था से जुड़े और कुछ एक्टिविटीज करे अपने लिए, उसमें बड़ा आनंद आएगा, तो वो हमसे भी जुड़ सकती है। वाह, खुला आमंत्रण महिलाओं के लिए, पुरुषों को भी कहा है कि आप अपनी धर्मपत्नी को हमारे पास भेजिए। और ये एक अच्छा संकल्प है, आइए हमारा महिला विकास परिषद की ये नारी शक्ति। व्यूअर्स इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इनके विचारों को लाइक कीजिएगा, जितने आप लाइक करेंगे जितने आप शेयर करेंगे इनके सुझाव इनके विचार को जितने दूर तक आप ले जाएंगे आप नारी शक्ति का सम्मान करेंगे, और इसके साथ साथ आप इनके कार्यों की प्रस्तुति करेंगे, ऐसा लगेगा आप भी सामाजिक सेवा के क्षेत्र में योगदान अप्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। अब तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। नारी शक्ति का सम्मान, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद हम भी बोल रहे हैं। महिला विकास परिषद जिंदाबाद, हम एक साथ देखिए गीत में कितनी अच्छी पंक्ति जोड़ दी, पुरुषों का है साथ इनकी। चलिए पुरुषों का है साथ, हम होंगे कामयाब। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, आप सबके प्रति शुभकामनाएं।